वैसे तो दूसरा आपके लिए क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर आपको ऑप्शन दी जाए कि रशियन वैक्सीन है, इंडियन वैक्सीन है, चाइनीज वैक्सीन है, आप तीनों में से कौन सी लगवाना पसंद करेंगे? भाई जिससे भी मुझे आराम आ जाए, बाखत कैसे पता लगेगा आराम किससे आ रहा है? वो देखेंगे कोई से आराम नहीं आएगा, मैं बता किससे आराम नहीं आएगा। इंडियन इंडियन है व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। हम फिर वापस आ गए हैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। गाइस अगर आप इसी तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में आखिरी में बात। वैक्सीन से मैं बड़ा वोकल रहा हूँ एंड आई हैव, अगले दिन मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने ये कहा कि आप इंडिया से वैक्सीन इंपोर्ट करें। इंडिया टुडे ने मेरी वो वीडियो डाउनलोड करके अपने वो गौरव सावंत ने अपने चैनल में चला दी, यू इंडिया टुडे में उसकी मेरी वीडियो चला दी और वो अपने उन्होंने डाउनलोड की उसको और उसने वो अपने कट्स बना बना के पता नहीं किस तरह उन्होंने किया, तो वो उन्होंने लगाया। देखिए जी कंवर चीमा कह रहे थे कि इंडिया से वैक्सीन इंपोर्ट करनी चाहिए और मैं कह रहा हूं इसमें कौन सी बात है। देखें एज लॉन्ग एज मैं तो इसका भी बड़ा क्रिटिसिज्म करता हूं, पाकिस्तान अपनी 90% वैक्सीन तो इंडिया से मंगवाता है, तो ये वैक्सीन इंडिया में मंगवाने में क्या मसला होगा। सो ये तो कोई बात नहीं है। और देखें आपको इलाज करवाना है आप और रेबीज की मेडिसिन मंगवाते हैं, बहुत कुछ मंगवाते हैं और ये बैरियर्स नहीं रहने चाहिए भाई, ये बैरियर्स नहीं रहने चाहिए। और इंडिया को चाहिए कि वो जो कोविड के चक्कर में इन्होंने हमें मेडिसिन भेजनी है, जो भेजनी है वैक्सीन वो भेजे, ये उसके ऊपर बैठ गए, ये वो वैक्सीन ही नहीं भेज रहे ममालिक को और कह रहे नहीं। इन्होंने क्या किया है कि कोवैक्स ने एक इंटरनेशनल अरेंजमेंट था, अच्छा उसमें यह है कि पूरी दुनिया को वैक्सीन जानी है कोवैक्स के अरेंजमेंट में, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने लिए पहले रख लिए, खुद ही बना के खुद ही अपने लिए रख लिए और बाकी कह रहे थानू सी बात देने हैं, एक ही तरीका भाई। सो इसमें तो पूरी दुनिया जो है इंडिया को क्रिटिसाइज कर रही है कि आप अपनी वैक्सीन के ऊपर बैठ गए हैं, जरूरत आपको भी है, ये नहीं है कि जरूरत नहीं है। और जारी और इनका भी कसूर नहीं है, वो सप्लाई चेन के मसले हैं, इनके पास सप्लाई नहीं आ रही। वो अमेरिकन जो कंपनी है उन्होंने, अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक 1950 का एक एक्ट है वो लागू कर दिया है कि जी क्योंकि पहले डोमेस्टिकली जरूरत है तो वो जो आना था रॉ मटेरियल वो इंडिया नहीं पहुंचा। तो कुछ गलतियां इनकी भी हैं और कुछ इनकी मजबूरियां भी हैं, लेकिन वो वैक्सीन जो मेरे लिए और लोगों के लिए अच्छी है वो लगा लें। बिल्कुल ठीक, वैसे इसमें जी सॉरी मैं बहुत स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ फैक्चुअल पोजीशन पे कमर ने जो दो तीन बातें बोली है। देखिए कमर, आपको एस्ट्राजेनेका जो कि इंडियन वैक्सीन है, पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वैक्सीन की विच इज कॉल्ड गावी, उसके थ्रू मिल रही है। दूसरी बात ये कहना कि आप इंटर कंट्री लेवल पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो वो तो आपको रिक्वेस्ट भेजनी होगी। अभी आप लेकिन शुगर और कॉटन की रिक्वेस्ट करके फिर यूटर्न मार जा रहे हो, तो फिर पेंडेमिक वाली वैक्सीन वाली रिक्वेस्ट आप तो खरीदनी होगी ना, आपको आपको रिक्वेस्ट करनी होगी। आप अगर नई इंडियन गवर्नमेंट को करना चाहते हैं उन कंपनीज को डायरेक्टली कर लीजिए, पर गावी के थ्रू जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान को ऑलरेडी मेड इन इंडिया वैक्सीन मिल रही है। दूसरी बात आपका ये कहना कि इंडियंस ने वैक्सीन रख ली है, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताऊं यहाँ पर क्रिटिसिज्म हो रहा था इंडियन गवर्नमेंट का, हमने तो, मैं आई कवर फॉरेन अफेयर्स और पिछले एक महीने में जहां जहां पर इंडियन एम्बेसडर्स और इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने वैक्सीन भेजी है ना, उन कंट्रीज के नाम भी मैं नहीं सुना था, क्योंकि मैं 10-12 साल से फॉरेन अफेयर्स कर रहा हूँ। उन उन कंट्रीज को, करीबियन कंट्रीज को भेजी है जिसकी टोटल पॉपुलेशन 72,000 है, वो एक वैक्सीन का डब्बा लेने के लिए वहां के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आ गए। तो ये कहना कि इंडिया ने वैक्सीन दबा के रख ली यहाँ पे, मैं आपको देखिए 3 महीना हो गया हम फोर्थ मंथ में, आपको आपके ऑडियंस को मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए लेट्स गो बाय फैक्ट्स। जनवरी में हमारे यहाँ वैक्सीनेशन शुरू हुई, मिड जनवरी में, वी आर इन दी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, टुवर्ड्स द एंड ऑफ फर्स्ट वीक, ऑलमोस्ट 3 महीने कंप्लीट हो गए। हमारे टोटल वैक्सीनेशन कितने हुए, ओनली 8 करोड़ एंड दैट डज नॉट इंक्लूड डबल शॉट्स, ओनली 8 करोड़ हुए हैं। हमारी पॉपुलेशन 130 है, अगर हम दबा के बैठे होते तो 3 महीने में खाली 8 करोड़ थोड़ी ना वैक्सीन लगती, हम दबा के बैठे होते तो 72,000 पॉपुलेशन वाली कंट्री को थोड़ी नहीं जाती। जहां तक रही बात कि पाकिस्तान को मिलनी चाहिए, किस कंट्री को मिलनी चाहिए, वो तो या तो कंट्री गावी के थ्रू ले, या तो कंट्री उस प्राइवेट कंपनी को ले, फाइजर से किसी से बात कर ले,
किसी से आप भारत बायोटेक से बात कर ले, दीज आर प्राइवेट कंपनी, सीरम इंस्टीट्यूट है, उनसे रिक्वेस्ट तो भेजे। आप मुझे बताइए किसी पाकिस्तानी गवर्नमेंट मिनिस्टर ने कोई रिक्वेस्ट भेजी है क्या? आपने भेजी ही नहीं, ना कंपनी को भेजी ना गवर्नमेंट को भेजी। हाउ कैन यू क्लेम कि हमें नहीं दी, हमें देनी चाहिए? आप भेजिए तो सही, आप मांगिए तो सही, और जो नॉर्म है इंटरनेशनल गावी के थ्रू, उसके थ्रू तो आपको मिली नहीं है। लेकिन बिल्कुल आशीष जैसे कह रहे हैं चीमा साहब, आपने बात सुनी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन साथ ही मैं ये बात भी साथ ही जोड़ दूं चीमा साहब आपसे पूछने के लिए कि इमरान खान एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऑर्डर करते हैं ट्रेड शुरू करने के लिए, शुगर लेंगे, कॉटन लेंगे, ये वो, और उसके बाद एज अ मिनिस्टर इमरान खान जो है जब प्राइम मिनिस्टर को भेजते तो मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती हूँ ये क्वेश्चन में, तो वो रिजेक्ट हो जाता है। मतलब इमरान खान अपने आप को ही मना कर देते हैं, मतलब ये एक अजीब सी बात है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो पीस प्रोसेस शुरू हुआ है उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिसे कहते हैं स्टेट विद इन स्टेट, जो कि कुछ आर्टिकल्स भी आए, इंडिया में भी आए कुछ आर्टिकल्स इस बारे में लिखा गया कि एक स्टेट तो बाजवा साहब है, एक इमरान खान साहब है, लेकिन एक स्टेट और है जो कि हमें नजर नहीं आती है सच, लेकिन ये कि वो इंडिया और पाकिस्तान में पीस प्रोसेस नहीं चलने देते, वो कोई ऐसी बात नहीं होने देते जिससे झगड़ा खत्म हो और लोग आराम से रहें, वरना इमरान खान खुद ही ऑर्डर करते हैं, खुद ही अपने लेटर को रिजेक्ट कर देते हैं। मतलब ये किस किस्म का मजाक चल रहा है? देखिए, पहली तो बात है पाकिस्तान में एक ही स्टेट है और वो रियासत पाकिस्तान है, और ये इंडियन प्रोपेगेंडा है, जारी बात है ये करना कि जी बाजवा साहब जो है वो स्टेट इन स्टेट है। हर मुल्क के अंदर फौज का एक रोल होता है, इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है, हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोल रहा है, तो लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। सो मैं समझता हूँ कि एक तो ये चीज हो गई। दूसरी बात, जो इमरान खान साहब वाली, बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को खत्म करें। और देखिए, लीडर जो होता है ना, लीडर वो अवाम के प्रेशर में नहीं आता, वो अपना फैसला करता है, वो फैसला करता है और सुना देता है। मैं एक बात बताऊं आपको आरजू, मैंने इस पे सोचा कि क्या चक्कर क्या है। चक्कर ये है कि ये जितने सियासतदान है ना, ये अपने छोटे छोटे गोल्स के लिए, छोटे छोटे मकासद के लिए ये अवाम को इतना ज्यादा रेडिकलाइज कर देते हैं। जैसे अभी फॉरेन मिनिस्टर साहब दोनों गए हुए थे उधर, तो वो हमारी एक कुलीग हैं, दोस्त हैं हमारी, मेरी कोर्समेट हुआ करती थी मोना खान, उन्होंने इंडिपेंडेंट उर्दू के लिए वो गई थी ताजिकिस्तान गई थी, उन्होंने एक इंडियन डिप्लोमेट का इंटरव्यू किया, उन्होंने छापा है वो विदाउट नेमिंग हिम, और उन्होंने कहा कि ये मुलाकात इसलिए नहीं हो रही कि ये जो टीवी है ना, इन्होंने टाकरे दिखा दिखा के ना जो हाल कर दिया है सियासतदानों का, अब ये बेचारे एक दूसरे के सामने हाथ भी नहीं मिला सकते। सो पहले ये खुद रेडिकलाइजेशन करते हैं, यहाँ पर होता है खत्म। आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। आपने देखा कमर चीमा भारत पर किस तरीके से आरोप लगा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान की वैक्सीन दबा कर रखी हुई है और पाकिस्तान को नहीं दे रहा है। हालांकि ये आरोप सरासर झूठे हैं। आपको भी पता है भारत में कोरोना कितनी तेजी से फैल गया है। महाराष्ट्र में तो ये कंडीशन है कि हर तीसरे चौथे घर में कोरोना निकल रहा है। आप समझ सकते हो कितनी खराब कंडीशन है महाराष्ट्र में। और कोरोना वैक्सीन भारत में इतनी तेज़ी से भी बन रही है, उसके बाद भी कमी है, क्योंकि आपको पता है भारत की आबादी इतनी ज़्यादा है कि कोरोना वैक्सीन कितनी सारी हम बना देंगे, 130 करोड़ वैक्सीन हम बना देंगे, उसके बाद उसे लगाना, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्टोरेज, वो सब चीज़ें एक साथ तो नहीं की जा सकती। इसलिए काम धीरे धीरे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत में वैक्सीनेशन सबसे तेज़ी से हो रहा है दुनिया में, ये भी एक अलग बात है। तो आपको बता दें कि अभी फ़िलहाल महाराष्ट्र में शायद कल परसों से ऐसा रूल आ जाए कि सभी एजेस के लिए, मतलब जितने भी एज के, मतलब क्राइटेरिया कोई भी नहीं रहेगा, सबके लिए कोरोना वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अभी जो केसेस आ रहे हैं, मतलब भारत में अगर 10 लाख केस हैं तो उसमें से 60% एरिया महाराष्ट्र से है, मतलब 60% केसेस महाराष्ट्र से हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, जो कि बहुत खतरे वाली चीज़ हो सकती है। इसलिए सही बात है, महाराष्ट्र में जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन होना चाहिए। हालांकि चीमा ने जो बातें की हैं कि भारत ने वैक्सीन दबा ली, ये वो, मतलब फलाना ठिकाना, और इसके बाद ये एक्सपर्ट ये मतलब एक्सेप्ट ही कर रहा है कि भारत से ही हम सारी वैक्सीन लेते हैं, रेबीज की इंजेक्शन लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो मतलब दोनों साइड में खेलने की कोशिश कर रहा है चीमा। तो अब आपको क्या लगता है दोस्तों, पहले तो भारत ने इतने सारे देशों को वैक्सीन दे दी, लेकिन आपको भी पता कि भारत में हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि वैक्सीन प्रोड्यूस, मतलब
इतने ज़्यादा अमाउंट में नहीं होती एक दिन में, फिर उसके बाद वो वैक्सीन लगाना, ट्रांसपोर्टेशन, जमाने भर की चीज़ें, तो उसके लिए हमें अब बहुत ज़बरदस्त तैयारी करनी होगी। और लगभग आने वाले 6 महीने में लगभग मतलब 30-40 करोड़ का वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो ये कोरोना हमें लगता है कि 2-3 साल तक ऐसे ही रहेगा। तो बहुत ज़रूरी है, आपके क्या सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, वीडियो कैसे लगा ये भी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।